पहले एक्साइज में अभी सीखा है, ठीक है, इसका कंसेप्ट वीडियो। अभी उससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं, इन सवालों को कर लेने के बाद तुम अपनी ज्योमेट्री की टेक्स्ट बुक की जो एक्साइज 1.1 है उसको कैसा सॉल्व कर सकते हो। तो पहला सवाल पढ़ो जरा, क्या लिखा है। आपको एक फिगर दिया है, ठीक है, इस फिगर में एक साफ साफ इंफॉर्मेशन कही है कि जो बी ई है, ये बी ई आप लोगों का क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के। जो मैंने लास्ट क्लास की एंडिंग की, उस लास्ट क्लास की जो एंडिंग थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि जो पहले आपको वर्ड लिखा रहता है, ठीक है, वो पहला वर्ड एक्चुअल में आपका बेसिकली हाइट होता है, और जो दूसरा वर्ड लिखा होता है वो तुम लोगों का बेस होता है। तो यहाँ पे तुम्हें लिख के दिया है कि बी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ तो बी उस क्वेश्चन का हाइट है और ए बी उस क्वेश्चन का क्या है, बेस है। क्या है बात दिमाग में जा रही है? अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट में क्या बोला है तुम लोगों को कि बी ए परपेंडिकुलर टू ए डी। तो उसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल के लिए ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी तुम लोगों का, ये हो जाएगा बेस और ये बन जाएगा हाइट। तो अभी इसमें सिंपली एक काम ये करो कि तुम लोगों से क्या फाइंड करने को बोला है, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो। हम लोगों को पता है कि जब दो ट्राइंगल्स के एरिया का आपको रेशियो लेना हो तो आप उसका रेशियो देखो कैसे लेते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। कैसे लेते हैं? बी वन एच वन पहले वाले ट्राइंगल की बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो ए बी ई इस ट्राइंगल में बेस क्या है, यहाँ पे बेस है तुम लोगों का लेट से ए बी और हाइट कौन है आपकी बी ई। सेकेंड वाले ट्राइंगल का बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट तो कितना हो जाएगा ए डी मल्टीप्लाई बाय ए बी। तो देखो ए बी और ए बी कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, बी ई अपॉन में कितना आ जाएगा ए डी। अभी बी ई ये चीज़ आपको कितनी गिवन है, बी ई दिया हुआ है 6 और ए डी दिया हुआ है तुम लोगों को 9। तो यानी कि यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी ये कितना निकल के आ चुका है हम लोगों के पास, 2/3। बस खत्म हो गया सवाल। तो इस तरीके से छोटे छोटे वन मार्क्स के कैसे सवाल क्रिएट होते हैं करके, ठीक है, डन। अच्छा, अब आगे देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे तुम्हें बोला है अगेन कि बाजू में एक फिगर दिया है, ठीक है, इस फिगर में तुम लोगों को ये बोला जा रहा है करके कि आप लोगों को साइड एस पी किसके दी हुई है, परपेंडिकुलर दी हुई है, किसके परपेंडिकुलर दी है यहाँ पे साइड एस पी, आपके साइड वाई के। तो साइड एस पी ऑब्वियस है कि तुम लोगों का क्या हो चुकी है, ये आप लोगों का हाइट है, और जो वाई के है ये वाई के क्या है तुम लोगों का इस सवाल में, ये आप लोगों का बेस है। तो पहले तो मैं ये इन्फॉर्मेशन को लिख लेती हूँ ठीक तरीके से कि इन ट्राइंगल, ठीक है, आपके पास एक ट्राइंगल है एस वाई के, उस ट्राइंगल एस वाई के में आपको हाइट, पूरी स्पेलिंग लिखना तुम लोग हाइट की, दी हुई है एस पी और उस क्वेश्चन का बेस आपको कितना दिया है वाई के। अभी नेक्स्ट में बोल रहा है कि वाई टी परपेंडिकुलर टू एस के, ठीक है। अब एक दूसरा ट्राइंगल लेने की बात हो रही है, दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे कौन है वाई टी के, तो उस ट्राइंगल आपके वाई टी के में, इन ट्राइंगल वाई टी के वहाँ पे देखो उसकी हाइट कौन है और उसकी बेस कौन है। तो हाइट किसे कहा गया है वहाँ पे, वाई टी को, तो वाई टी इज हाइट, ठीक है। ये वाई टी क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, तो ये वाई टी क्या हो गया तुम लोगों का हाइट हो गई। अच्छा, वाई टी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, वाई टी परपेंडिकुलर है इस टी के पर, तो यानी कि यहाँ पर इस चीज़ की बेस कितनी हो गई है आपके पास टी के। अभी एक चीज़ ध्यान पे देखें, आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे दोनों का एरिया ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसी के बाद तुम्हें ये स्टेप लिखनी है कि देयर फोर एरिया ऑफ ट्राइंगल एस वाई के कितना है, ये वाली चीज़ अपॉन में क्या आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल वाई टी के, मतलब इन दोनों को लिख लेने के बाद ये वाला काम करना फिर, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है बी वन एच वन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वहाँ से बताओ, वाई के मल्टीप्लाई बाय एस पी और यहाँ नीचे में आ जाएगा वाई टी मल्टीप्लाई बाई टी के। तो अभी वाई के ये चीज़ तुम्हें कितनी दी हुई है यहाँ पे, गिवन 13 दिया है, एस पी ये कितना दिया है 6, वाई टी ये कितना दिया है 5 और टी के ये कितना दिया है 12।
तो ये 6 1s आ, ये 6 2s आ, तो यानी कि यहाँ से रेशियो आया 13/10 करके, ठीक है। तो बस इसी टाइप के छोटे छोटे सवाल हैं, तुम लोगों की पहली एक्सरसाइज में कर लोगे। इन सारे सवाल को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अच्छा, अभी सवाल में मूव करते हैं। इस सवाल में बोला गया है करके कि आपको साइड का रेशियो दिया है, ठीक है, यानी कि आपको दिया है RP अपॉन में PK इक्वल टू 3:2। अब एक बात याद रखना, कई बार बता चुकी हूँ, जो रेशियो आपको गिवन होता है वो रेशियो कभी भी किसी भी क्वेश्चन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। जैसे RP का रेशियो PK के साथ 3:2 है, तो RP आपको 3 दिया है और PK आपको 2 दिया है, ऐसा नहीं है, वो रेशियो है। तो ऐसे सवाल में हमेशा कॉमन फैक्टर ले लिया करो। तो लेट से मैंने यहाँ पे ले लिया कि लेट एक्स बी द कॉमन फैक्टर। तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर एक्स को ले लेती हूँ, तो कॉमन फैक्टर ले लेने के बाद देयरफॉर यहाँ से आरपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x आ जाएगी। पीके की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2x आ जाएगी। तो ये मुझे वैल्यू मिल गई। अभी आरपी ये मेरे पास कितना है, 3x है। पीके ये कितना है, 2x है। तो अगर आरके मुझे ढूंढना है, तो ये आरके टोटल कितना हो जाएगा, 5x। तो वहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, वहाँ पे ऐसा शो करना कि RK इक्वल्स टू कितना, RP प्लस आपका PK, ठीक है। वहाँ पे रीज़न दोगे कोलिनियर पॉइंट्स का, R'P'K। तो देखो RP कितना है, 3x, PK कितना है, 2x। तो देयरफॉर यहाँ से RK की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आप लोगों के पास, 5x। ये RK की वैल्यू आ गई। अब आगे सवाल को रीड करते हैं कि उसमें क्या बोला गया। सवाल में पहले में आपको ट्रायंगल TRP और ट्रायंगल TPK इसका क्या करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। ट्रायंगल TRP और ट्रायंगल TPK इसमें रेशियो निकालना है। तो देखो एक मिनट ना, मुझे पेज ऐड कर लें, दो मिनट। अभी यहाँ देखें, तो देखो ट्रायंगल TRP, ट्रायंगल TRP, इस ट्रायंगल TRP में अगर मैं T को उस पर्टिकुलर चीज का क्या ले लूँ, यहाँ पर एक मिनट, देखो क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं यहाँ पे आपको, TRP। तो ट्रायंगल TRP का रेशियो ले लेते हैं, पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना है, फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल TRP अपॉन में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल TPK। तो देखो TRP में अगर मैं T को यहाँ पे क्या ले लूँ, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ। तो TRP में उसकी हाइट कौन है, हाइट है आपकी TK, और बेस कौन है, बेस रहेगा आपका RP। ऑब्टूज में बेस कैसे लेते हैं ये सिखाया है, मल्टीप्लाई बाय TPK। तो TPK में हाइट कौन रहेगा, TK, और बेस कौन रहेगा वहाँ पे, PK। तो TK और TK कैंसिल हो गया। RP की वैल्यू कितनी है, RP की वैल्यू है 3x और PK की वैल्यू है 2x। तो ये कट पिट के आंसर कितना आ जाएगा, 3:2 करके, ये ऐसे में, ठीक है। अच्छा, अब आगे सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपको अगेन रेशियो बोला है ट्राइंगल TRK का अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल TPK। तो अब देखो यहाँ पे TRK क्या है, TRK, तो TRK में जो तुम्हारी हाइट है वो TK है और बेस RK है। अच्छा, उसके बाद TPK, TPK में आप लोगों की हाइट कौन सी है, TK है, और बेस कौन सा है, PK। TK कैंसिल, तो RK यानी कि कितना, 5x, और PK यानी कि 2x। तो ये रेशियो आ गया कितना, 5:2। थर्ड पॉइंट में मूव करते हैं, देखें थर्ड पॉइंट क्या है। तो जैसे थर्ड पॉइंट में तुम्हें बोला है TRP और TRK दिख रहा है, TRP और TRK। तो जब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल TRP जब मैंने यहाँ ऊपर लिखा था, ठीक है, ये फिर से ऊपर पहुँच गया, रुको दो मिनट। हाँ, तो अभी क्या करना है हम लोगों को, एरिया ऑफ ट्राइंगल TRP अपॉन में क्या लेना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगों का TPK, आई थिंक वही है ना, TRK है, ये लो TRK। तो TRP में तुम लोगों का क्या चलता है, बेस इनटू हाइट, TK मल्टीप्लाई बाय RP। और जब TPK निकालना था, तो TPK के वक्त क्या चलता है,
जब टीपी के यानी कि टीआरके जब निकालना है तो टीआरके के लिए चलता है टीके मल्टीप्लाई बाय आरके, तो टीके टीके कैंसिल, आरपी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3x, आरके की वैल्यू कितनी है 5x, x और x कैंसिल हो गया तो यहाँ से रेशियो कितना आ गया 3:5 कर दिया। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं कि देखो नेक्स्ट सवाल क्या है। तुम लोगों के पास ये फिगर दिया है, इस फिगर में तुम्हें अगेन जो जो रेशियोज़ बोल रहे हैं वो सारे रेशियोज़ की क्या करनी है, वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी। तो अभी यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ, स्टेप्स वगैरह मैं पूरी नहीं लिख रही हूँ। जैसे इस वाले रेशियो का अगर मुझे कैलकुलेट करना है पहले वाले का, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो देखो जरा ए बी सी को फिगर ध्यान से देखना, ए बी सी में उसकी हाइट कौन सी है, ए बी सी में उसकी हाइट है आपका ये वर्टेक्स ए से, यानी कि ए एस मल्टीप्लाई बाय उसकी बेस, तो बेस कौन सी है बी सी, अपॉन में पी बी सी, पी बी सी फिगर को ढूंढो किधर है, तो ये रहा पी, ये रहा बी और ये रहा सी, तो उसमें हाइट कौन है पी आर और बेस कौन है वहाँ पे बी सी, तो देखो बी सी बी सी कट जाएगा और यहाँ से तुम्हारे पास रेशियो आ जाएगा ए एस अपॉन में पी आर। डन पहला वाला। सेकेंड वाले में मूव करते हैं, देखो सेकेंड वाला क्या है आपके पास ए बी एस, तो ए बी एस ट्राइंगल कहाँ पे है, ये है आपका ए और उसके बाद है ये तुम्हारा यहाँ से लेके बी और बी के बाद ये है एस, तो यहाँ पे तो साफ साफ हाइट कितनी दी है ए एस, बेस कितना दिया है बी एस, ख़त्म। अपॉन में क्या लेना है ए एस सी, ए एस सी उसके बाजू वाला ही है, तो यहाँ पे हाइट कितनी है ए एस और बेस कितनी है एस सी, तो देखो ए एस ए एस कट गया तो रेशियो यहाँ से क्या क्रिएट हुआ बी एस अपॉन में एस सी। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाला देखो क्या कह रहा है तुम लोगों को ये वाला सवाल। ठीक है, इस वाले सवाल में बोल रहा है पी आर सी, तो पी आर सी ट्राइंगल को लोकेट करो, ये है आप लोगों का ट्राइंगल पी आर सी, ये रहा। इस ट्राइंगल पी आर सी का हाइट क्या है पी आर, इसका बेस क्या है आर सी, अपॉन में बी क्यू टी, बी किधर है ये बी, ये क्यू कहाँ है इधर और ये टी यानी कि इधर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट क्या हो गई तुम लोगों के पास क्यू टी हो गई। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे क्यू टी और मल्टीप्लाई बाय इसकी बेस कितनी है बी टी। इस बार कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो याद रखना हर बार चीज़ें कैंसिल होंगी ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, कई बार कैंसिलेशन नहीं भी होगा। अच्छा, उसके बाद अभी बचता है फोर्थ वाला, या ऊपर देख लेते हैं बी पी आर, ये छोटा सा कोने का ट्राइंगल ये, तो यहाँ पे हाइट कौन है पी आर मल्टीप्लाई बाय बेस कौन है आप लोगों का बी आर, अपॉन में क्या है सी क्यू टी, ये छोटा सा कोने वाला हाइट यहाँ पे क्या है क्यू टी और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे बेस कितना है सी टी। इसने भी कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, ये भी वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो बस तुम्हें अपनी आँखों से बेस और हाइट को क्या करना होगा डिटेक्ट करना होगा। अभी जब तुम नोट्स कॉपी में लिखोगे तो डायग्राम थोड़ा मैं मिटा देती हूँ, मतलब क्लियर कर देती हूँ ताकि तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये लो, अब तुम्हारा ये डायग्राम पूरा क्लियर हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं फिर हम लोग। ये सवाल आपको दिया है, ये सवाल भी बहुत ईजी है, देखें इसको कैसे करना है। पहला बोला है कुछ गिवन वीवन दिया हुआ है, मतलब डी एच परपेंडिकुलर टू ई एफ, तो डी एच क्या है तुम लोगों की हाइट होगी, ये डी एच हाइट होगी और ई से लेकर पूरे एफ तक ये वाली चीज आपकी बेस होगी। ओके, नीचे वाले ट्राइंगल में बोला है जी के परपेंडिकुलर यानी ये हाइट यानी कि ये हाइट होगा या अगेन वाले ट्राइंगल का नीचे वाले का ये का भी क्या होगा। अभी साथ साथ दिख रहा है दोनों ट्राइंगल के बेस ट्राइंगल में बेस ठीक है, जब दोनों ट्राइंगल के बेस कॉमन है तो बेस जब हम रेशियो लोगे इस रेशियो लोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगों का डी आप लोगों का ई ठीक है अपॉन में क्या लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ जी, तो अपन लोग क्या लिखते हैं बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाले ट्राइंगल की हाइट डी एच है बेस ई एफ है, नीचे वाले ट्राइंगल की हाइट जी के है और बेस ई एफ है, तो बेस देखो कैंसिल हो गए देखो राइट हो गए। अच्छा, अब इसमें डी एच की वैल्यू कितनी दी हुई है 12 दी हुई है, जी के की वैल्यू कितनी दी हुई है तुम लोगों को 20, तो ये 12/20 आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ ये कितना दिया हुआ है 300, तो यहाँ पे आ गया 300 पे आ गया, अपन में यहाँ क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ जी राइट। इसको कैंसिलेशन कर लो, 4 3 12 ये 4 5 3 1 था और ये 300 था, फिर 5 को यहाँ मल्टीप्लाई में लेकर आ जाओ तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ जी ये निकल के आ जाता है कितना 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये खत्म। ठीक है, ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया, तो देखो यही तो था तुम लोगों का सेकेंड फाइंड जी ई एफ, जी ई एफ कितना आया यहाँ पे, ये आ गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आप लोगों ने निकाला सोल्यूशन नंबर 2। अभी तुम लोगों को ढूंढना है एरिया ऑफ दैट क्वाड्रिलैटरल, इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया,
तो इसका एरिया देखो कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है। अगर तुम्हें एरिया उस क्वाड्रिलैटरल डी एफ जी ई का ढूंढना है, तो वो क्वाड्रिलैटरल बन कैसे रहा है, दोनों ट्राइंगल्स को ऐड करके बन रहा है, तो दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को आपस में ऐड कर दो, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ प्लस नीचे वाला ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल में कितना आ जाएगा, जी एफ ई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ ये तो गिवन था, कितना 300, और जी एफ ई को हमने अभी अभी ऊपर से निकाला यानी कि 500, तो ये ऐड होकर कितना हो गया 800, यहाँ से आ गया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर करके। तो हम लोगों ने सेकेंड पार्ट निकाल लिया, थर्ड पार्ट निकाल लिया, बचता है आपका पार्ट नंबर वन, ई एफ। ई एफ का क्या करना है, ई एफ कैसे निकालेंगे, तो देखो ई एफ आपके ऊपर वाले ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल दोनों की कॉमन बेस है, ठीक है, ऊपर वाले ट्राइंगल की भी बेस है, नीचे वाले ट्राइंगल की भी वो बेस है। तो जब आपको ई एफ कैलकुलेट करना है, यानी कि फर्स्ट पार्ट जब कैलकुलेट करना है, तो तुम चाहो मतलब स्टार्टिंग में आपको गिवन किस ट्राइंगल का दिया है, डी ई एफ का, हमने बाद में तो सेकेंड का भी निकाल लिया, बट गिवन तो डी ई एफ का ही दिया था ना, तो शुरू उसी से करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ का फॉर्मूला लिखो, मैं फॉर्मूला लिखने को बोल रही हूँ, रेशियो लिखने को नहीं बोल रही हूँ। तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ, ठीक है, ये लिख दिया तुम लोगों ने हाफ, मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस कितना होता है आप लोगों का ई एफ, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, हाइट, हाइट कितना दिया है डी एच। अब बस वैल्यू पुट करो, तो डी ई एफ इसका एरिया कितना दिया है 300, ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये इस तरीके से। ई एफ तुम्हें कैलकुलेट करना है और डी एच की वैल्यू दी हुई है 12, ठीक है। तो मैं अगर कैंसिल आउट कर लूँ, तुम अपने बच्चों के जैसे कैंसिल कर लेना, तो यहाँ से ई एफ की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ई एफ की वैल्यू आ गई, डन। तो ये हो गया हम लोगों का एक और सवाल, देख लेते कोई सवाल और भी दिया है कि मैंने नीचे, हाँ एक और है, ये सवाल तुम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखो जैसे, अच्छा रुको, इस सवाल को अभी नहीं करते हम लोग, कल मैं तुम लोगों को एक बीपीटी थ्योरम सिखाऊंगी, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तब इस सवाल को करेंगे। इसे कॉपी में नोट डाउन करके रख लेना लेकिन तब के लिए, ठीक है। अच्छा अभी एक सवाल और बाकी है, मुझे याद है ऊपर में एक बाकी रह गया है, ये देखो ये वाला, यहाँ पे क्या दिया है आपको, दो ट्राइंगल्स हैं उनके रेशियो दिया है उनके एरियाज का, और बोल रहा है वहाँ पे कॉमन बेस है। अब एक बात याद रखो, पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा, जब आपके पास बेस कॉमन होती है तो A1 अपॉन A2 किस चीज़ के इक्वल आता है, H1 अपॉन H2 के इक्वल आता है, बराबर, क्योंकि वहाँ पे बेस कॉमन है। तो यहाँ पे रीज़न लिखना पड़ेगा, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस, जब भी आप इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ तो हमेशा आपको ऐसा रीज़न देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस। अभी गिवन क्या है, A1 अपॉन A2 इस चीज़ का एरिया कितना दिया है, रेशियो 6/5। अब बोल रहा है हाइट ऑफ द लार्जर ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर। अच्छा अब यहीं पे लोगों से गलती होती है, जो ये वाला ट्राइंगल में यहाँ 6 लिखा है तो इसको आप लार्जर मानोगे, और क्योंकि ये 5 आपका छोटा है तो इसको आप स्मॉलर मानोगे। तो यानी कि तुम लोगों को H1 की वैल्यू दी हुई है 9 सेंटीमीटर, और H2 की वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो अभी डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करो और वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, A1/A2 की जगह 6/5, H1 की जगह आ जाएगा 9, और H2 वैसे का वैसी, ठीक है। मैं कैंसिलेशन अगर कर लूँ तो 9 × 5 = 45, 45/6, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम लोगों का 15/2, यानी कि 7.5 यूनिट डाल देना, यूनिट कितनी है, सेंटीमीटर। बट इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रो देना कि लेट A1 एंड A2, ठीक है, बी द एरिया ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर ट्राइंगल, ठीक है, लार्जर किसको ले रहे हो और स्मॉलर किसको ले रहे हो वो चीज़ बताना, एंड अ स्मॉलर ट्राइंगल, एंड H1 एंड H2 बी देयर रिस्पेक्टिव हाइट, H1 एंड H2 बी देयर रिस्पेक्टिव हाइट, ये वाला आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा यहाँ पे करके, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक ही गलती होती है, वो ये कि कई लोग H1 यहाँ पे पुट कर देते हैं, मतलब यहाँ पे। तो देखो क्योंकि ऊपर वाला 6 है और नीचे वाला 5 है, तो ऊपर वाली क्वांटिटी लार्जर होगी, इसीलिए मैंने H1 को 9 लिया है, ना कि H2 को 9, ठीक है। तो ये वाला सवाल हम लोग कल जब बीपीटी थ्योरम कर लेंगे तब इसके साथ बातचीत करेंगे, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हो सकता, तुम चाहो तो इसको ट्राई कर लो, ये जो तुम्हें पहला मैंने एक्सरसाइज सिखाई है उसके बेसिस से बन जाएगा। बट फिर भी कल इस सवाल से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे और इसके बाद मैं तुम्हें बीपीटी थ्योरम सिखाऊंगी, डन। तो फिर जब ये वाला पार्ट हो जाएगा तब करके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी फिर, ठीक है।